दोस्तों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में मैं आप सबसे बात करना चाहता था। और जब भी कभी कोई चुनौती मिलती है तो मेरी पहली कोशिश ये होती है कि सबसे पहले मैं आपके पास आऊं और आपसे उसके बारे में बात करूं। इस बार एक बहुत दुखद घटना हुई है और वो दुखद घटना ये है कि लोग मीडिया से निष्पक्ष होने की उम्मीद करते हैं, सोचते हैं कि मीडिया को निष्पक्ष होना चाहिए। खास तौर पर जो हमारे देश के नेता हैं वो चाहते हैं कि मीडिया निष्पक्ष रहे, लेकिन नेता खुद कितने निष्पक्ष हैं इसके बारे में कभी ध्यान नहीं देते। अगर देश की राजनीतिक पार्टियां ये चाहती हैं कि मीडिया निष्पक्ष रहे तो उन्हें अपने आप से भी ये सवाल पूछना चाहिए कि वो कितनी निष्पक्ष हैं। और इसका जो ताजा उदाहरण है वो है कांग्रेस पार्टी। राजस्थान में अभी 2 दिन पहले, आप जानते होंगे, उनके एक बहुत बड़े नेता हैं, अंतर्राष्ट्रीय नेता कांग्रेस पार्टी के, जिनका नाम है नवजोत सिंह सिद्धू। वो अभी पाकिस्तान से लौटे हैं हाल ही में। पाकिस्तान से लौटने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू राजस्थान में कांग्रेस का प्रचार कर रहे थे। उनकी एक सभा चल रही थी। सभा में जो भी कुछ कह रहे थे उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आजकल राजनीति का स्तर ऐसा है कि आप किसी भी तरह की भाषा किसी के लिए भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। सभा के दौरान किसी ने, जो भीड़ जो सामने खड़ी हुई थी, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। वहां बहुत सारे लोग थे, मीडिया के बहुत सारे लोग थे और बहुत सारे जनता के लोग भी थे, और बहुत सारे लोग उस वक्त अपने अपने मोबाइल फोन से वो वीडियो बना रहे थे, रिकॉर्ड कर रहे थे। तो जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे तो उन सारे कैमरों में वो नारेबाजी रिकॉर्ड हो गई। वो वीडियो जी न्यूज के पास आया और भी बहुत सारे मीडिया चैनल्स हैं जिनके पास आया, और जी न्यूज ने उसको चलाया ये कहते हुए कि नवजोत सिंह सिद्धू की रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लग रहे थे। कांग्रेस पार्टी को यह बात बहुत बुरी लगी। कांग्रेस पार्टी के जो मीडिया के प्रभारी हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि जी न्यूज ने एक डॉक्टर टेप चलाया है और जो असली टेप है उसको मैं ट्वीट कर रहा हूं। और उन्होंने एक टेप का एक हिस्सा नवजोत सिंह सिद्धू के भाषण का वो ट्वीट कर दिया, जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के जो नारे थे उसको हटा दिया गया था। मतलब वो नारा जब जहां खत्म होता है, सुरजेवाला जी का जो वीडियो वहां से शुरू होता है। उसके बाद सिद्धू जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि वो जी न्यूज को ऐसा डिफेमेशन ठोकेंगे जी न्यूज के खिलाफ, जी मीडिया के खिलाफ, कि जी न्यूज को नानी याद आ जाएगी। तो इस तरह की धमकियां अब दी जा रही हैं। पहले मुझे लगा कि ये सब चलता रहता है, लेकिन धीरे धीरे हमारे देश में और भी बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं और बहुत सारे ऐसे एडिटर्स हैं जो कि कांग्रेस के लिए काम करते हैं, उन लोगों ने इसको एक प्रचार का माध्यम बना लिया। धीरे धीरे सोशल मीडिया पर लिखना शुरू किया कि जी न्यूज ने एक डॉक्टर टेप चलाया है। अब जी न्यूज उसका जवाब देगा। आज रात को 9 बजे जी न्यूज कांग्रेस पार्टी के नेताओं को उसका जवाब देगा, नवजोत सिंह सिद्धू को उसका जवाब देगा। कांग्रेस पार्टी के जो बाकी नेता हैं जो धमकियां दे रहे हैं उनको उसका जवाब जी न्यूज आज रात 9 बजे देगा। लेकिन उससे पहले मैं यहां आप सबके बीच आकर, क्योंकि हमारी जवाबदेही आपको है, कांग्रेस पार्टी को नहीं है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कांग्रेस पार्टी हमारे बारे में क्या सोचती है, हमें कांग्रेस पार्टी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। लेकिन इस देश में अब 2 तरह के लोग हैं। एक वो जो समझते हैं कि इस देश की सभ्यता सिर्फ 71 साल पुरानी है, इस देश का इतिहास सिर्फ 71 साल पुराना है, और दूसरे लोग वो हैं जो ये जानते हैं कि इस देश की सभ्यता और इतिहास 6,000 साल पुराना है। जी न्यूज ना कांग्रेस पार्टी की तरफ है, ना बीजेपी की तरफ है, ना किसी और पार्टी की तरफ है। हम भारत की तरफ हैं और हम भारत की बात करते हैं, उस भारत की बात करते हैं जिसका इतिहास 6,000 साल पुराना है, वो नहीं जिसका इतिहास 71 साल पुराना है। इसलिए जब भी इस तरह के लोग
अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाते तो उन्हें अपने रास्ते में जो सबसे बड़ा अड़चन जो दिखाई देती है वो जी न्यूज़ दिखाई देती है, हम लोग दिखाई देते हैं, और हर बार वो एक नए आरोप के साथ आते हैं। और ज़्यादातर आरोप ये होता है जब कोई ऐसी खबर आ जाए, कोई ऐसा वीडियो आ जाए जिसका उन्हें बहुत नुकसान हो सकता है, तो सबसे अच्छा तरीका उससे बचने का ये है कि ये कह दो कि ये फेक न्यूज़ है या ये डॉक्टर्ड वीडियो है। हमारा वीडियो 100% सही है, और आज रात को जब 9 बजे मैं आप सबके सामने आऊँगा तो मैं आपको एक नहीं बहुत सारे मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड किए गए फीड्स दिखाऊंगा। जिस वक्त नवजोत सिंह सिद्धू अपना भाषण दे रहे थे उस वक्त वो भाषण फेसबुक पर भी लाइव चल रहा था। अब जो फीड फेसबुक पर लाइव आ रही है वो डॉक्टर्ड नहीं हो सकती। जैसे अभी मैं आपके सामने फेसबुक पर लाइव हूँ, मैं जो कह रहा हूँ उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता, वो डॉक्टर्ड नहीं हो सकती। इसी तरीके से सिद्धू जी का जो स्पीच था वो भी डॉक्टर्ड नहीं हो सकता जब वो फेसबुक पर लाइव आ रहा है। तो आज मैं आपको वो फीड भी दिखाऊंगा जिससे पूरे देश को ये पता चल जाएगा कि अब कैसे नेता ही, पॉलिटिकल पार्टियां ही खुद फेक न्यूज़ फैला रही हैं। तो जो सत्य है उसे अंधेरे में छिपने की ज़रूरत नहीं है, सत्य रोशनी में रहता है, सूर्य के प्रकाश में रहता है। हमें स्क्रीन को काला करने की ज़रूरत नहीं है, हम स्क्रीन को रोशनी से भर देंगे आज, सबूतों से भर देंगे आज। आप सब लोगों को वो सब देखकर बहुत आनंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और वो सारे लोग, ख़ास तौर पर मीडिया के वो लोग जिन्होंने एक बार भी उस वीडियो को वेरीफाई करने की कोशिश नहीं की, एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि सत्य क्या है, और कांग्रेस पार्टी के हाँ में हाँ मिला दिया, कांग्रेस पार्टी के ट्वीट्स को रीट्वीट कर दिया और अपनी टिप्पणी साथ में थोड़ी डाल दी फेक न्यूज़ के बारे में, और संपादक होने की एक जिसको कहते हैं रिवाज वो निभा दिया, वो सारे लोगों को भी आज बहुत दुख होगा। तो जो लोग भारत के साथ हैं आज उन्हें बहुत आनंद आएगा आज रात 9 बजे, और जो लोग भारत के साथ नहीं हैं या कह लीजिए जो पाकिस्तान के साथ हैं उन्हें शायद आज काफ़ी निराशा होगी, क्योंकि उन्होंने एक नई कोशिश की थी जी न्यूज़ को बदनाम करने की और वो कोशिश भी विफल रह गई। आप में से बहुत सारे लोगों को याद होगा कुछ साल पहले 2016 में दिल्ली के JNU में भी ऐसी ही घटना हुई थी, और उस समय भी जी न्यूज़ ने ही सबसे पहले, हम ही लोगों ने सबसे पहले वो वीडियो आप सबको दिखाया था। और तब क्या हुआ था आपको ये याद होगा, ये सारे सूडो सेकुलर मीडिया, बुद्धिजीवी, नेता, ये सारे लोग एक साथ हो गए थे और इन सब लोगों ने ये कहा था कि ये वीडियो डॉक्टर्ड है, ये नकली वीडियो है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे JNU में नहीं लगे और ये जो ऑडियो है ये बाद में एडिटिंग करके लगाया गया है। उसके बाद CFSL ने उस वीडियो की जाँच की और CFSL की रिपोर्ट में ये पाया गया कि वो वीडियो बिल्कुल सही था। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि किसी ने भी आपको आके ये नहीं बताया कि वो वीडियो सही था, उन लोगों ने माफ़ी नहीं मांगी जिन्होंने उस वीडियो पर सवाल उठाए थे। इस बार भी यही होने वाला है, लोगों ने सवाल बहुत जल्दी उठा दिए। नवजोत सिद्धू जो खुद पाकिस्तान में पाकिस्तान की जय जयकार करके आए हैं, इमरान खान की टीम में रहकर बैटिंग करके आए हैं, इमरान खान ने उनके लिए ये कहा कि वही देश के अगले प्रधानमंत्री होने वाले हैं, जो इमरान खान की टीम में इस समय खेल रहे हैं लेकिन कहते हैं कि मेरा कैप्टन राहुल गांधी है, कैप्टन अमरिंदर सिंह को वो अपना कैप्टन नहीं मानते, कहते हैं मेरे कैप्टन राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी ने मुझे पाकिस्तान भेजा था पाकिस्तान की जय जयकार करने के लिए। फिर कांग्रेस पार्टी इस बात से खंडन कर देती है कि हमने सिद्धू को भेजा, और जब सिद्धू जी को पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तान की जय जयकार करने में शर्म नहीं आई तो फिर राजस्थान में उनकी सभा में किसी ने पाकिस्तान जिंदाबाद बोल दिया तो सिद्धू जी को इतनी परेशानी क्यों हो रही है, इतनी समस्या क्यों हो रही है? वो तो यही सुनना चाहते थे कि भारत में भी पाकिस्तान जिंदाबाद हो, यही तो चाहते थे वो, और वो इतनी जल्दी हो गया तो फिर कांग्रेस पार्टी को दुख क्यों हो रहा है? दुख कांग्रेस पार्टी को इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव का समय है, चुनाव प्रचार चल रहा है, अगर ये वीडियो वायरल हो गया तो कांग्रेस पार्टी को चुनाव में बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को लगा कि इससे पहले कि यह वीडियो वायरल हो जाए इसे किसी तरीके से दबाना होगा, इसे हटाना होगा। हटाने का क्या तरीका है? यह कहिए कि यह टेप डॉक्टर्ड है, फिर कहिए कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, फिर कहिए कि हम डेफेमेशन केस करेंगे, और फिर ट्वीट कर दीजिए और अपने सारे
मीडिया में अपने जो कार्यकर्ता हैं उन सब से उसको रीट्वीट करवाइए, ताकि एक माहौल बन जाए कि ये जो वीडियो है ये नकली है, ये डॉक्टर्ड है। तो उन सब लोगों को, आप सब लोगों को मैं ये बता दूं कि हम डरने वाले नहीं हैं, ये टेप डॉक्टर्ड नहीं है, ये टेप 100% सच्चा है। डिफेमेशन अगर कोई करेगा तो जी मीडिया करेगा उन सारे नेताओं के ऊपर जिन्होंने दुष्प्रचार किया है, जिन्होंने झूठ बोला है, सिर्फ इसलिए कि चुनाव में इस टेप का नुकसान हो सकता है। और दूसरी बात, अब आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, ये टेप रुक नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत इस टेप को, इस सच्चाई को, इस वीडियो को दबा नहीं सकती। अब आप एक्सपोज हो चुके हैं। और यही बात कहने के लिए आज मैं आप सब लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं कि अब इस टेप को कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेस पार्टी नहीं रोक सकती, कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता नहीं रोक सकते, उनकी धमकियां नहीं रोक सकती, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं रोक सकती, उनके जो मीडिया में उनके जो लोग बैठे हैं, जो उनके कार्यकर्ताओं की तरह रहते हैं, वो सारे संपादक जो ट्वीट कर रहे हैं, आप ट्विटर पर जाइए और जितने भी संपादक और पत्रकार कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनके कार्यकर्ता बनकर ट्वीट कर रहे हैं, पोस्ट लिख रहे हैं, वो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। और आप सब भी ये जान लीजिए, समझ लीजिए कि ये सारे लोग आपके साथ दगा कर रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं और झूठ कह रहे हैं आपसे। सच क्या है, मैं आपको यही बताने के लिए यहां पर आया हूं। और जो बाकी के जो सबूत हैं वो तो मैं यहां फेसबुक लाइव में नहीं कह सकता, क्योंकि उसके लिए और जरूरत पड़ेगी समय की। तो मैं आज रात को 9 बजे, आप जी न्यूज देखना मत भूलिएगा DNA में, और उसमें हम आप सबके सामने वो सारे सबूत आज पेश करेंगे। इन सारे लोगों को बहुत दुख होने वाला है, और आपके सामने भी अच्छी बात यह है कि आपको बहुत सारे लोगों की सच्चाई आज पता चल जाएगी। आज आपको पता चल जाएगा कि आपके देश में कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो भारत की टीम में खेलते हैं, और ऐसे कौन से लोग हैं जो पाकिस्तान की टीम में खेलते हैं, जो पाकिस्तान की जय जयकार करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान जिंदाबाद सुनना चाहते हैं, लेकिन चुनावों की वजह से उस बात को अभी स्वीकार नहीं करना चाहते, क्योंकि अभी उन्हें आपके वोट चाहिए। अभी चुनाव प्रचार में वो ऐसा रिस्क मोल नहीं ले सकते, लेकिन उनका नुकसान हो चुका है, अब बहुत देर हो चुकी है। इसलिए मैंने एक उसका जो ओरिजिनल वीडियो है, जो असली वीडियो है, मैंने ट्विटर पर उसको डाला है, थोड़ी देर में मैं फेसबुक पर डाल दूंगा। ध्यान से उसको सुनिएगा और उसमें देखिएगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सिद्धू की रैली में आपको दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। और आज रात को 9 बजे भी जी न्यूज़ पर आप देख पाएंगे, जी मीडिया के सारे चैनल्स पर आप देख पाएंगे। और एक और आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूं कि आजकल के नेताओं में, खासतौर पर राजनीतिक पार्टियों में, ये फैशन बन गया है कि जो न्यूज़ चैनल और अखबार उनकी तारीफ करते हैं, उनके बारे में जैसा वो चाहते हैं वैसा लिखते हैं, उन लोगों को ये निष्पक्ष मानते हैं, उन लोगों को ये पत्रकार मानते हैं, कहते हैं कि ये असली पत्रकार हैं। जो लोग इनके बारे में वैसा नहीं लिखते जैसा ये चाहते हैं, वो सारे लोग इन लोगों की नज़रों में बहुत चुभते हैं, इनकी आंखों में बहुत चुभते हैं, उन्हें ये पत्रकार नहीं मानते, उनके बारे में अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन्हें कहते हैं कि ये पत्रकार नहीं है, ये तो दलाल हैं। दलाल इसलिए हैं क्योंकि वो आपकी बात नहीं छापते। जब आप सरकार में थे तब उन्होंने आपके कहने पर आपकी तारीफों के कसीदे नहीं पढ़े, इसलिए आप उन्हें पत्रकार नहीं मानते। और अक्सर ये पार्टियां, जैसे कांग्रेस पार्टी भी है और दूसरी पार्टियां भी हैं, न्यूज़ चैनल्स जो इनके कहे पर नहीं चलते, उनके स्टूडियोज़ में, उनके कार्यक्रमों में अपने नेताओं को भेजना बंद कर देते हैं और उन न्यूज़ चैनल्स का बहिष्कार करते हैं। इसलिए आज मैं अपने मीडिया के बाकी साथियों को भी ये आइडिया दे रहा हूं कि क्यों नहीं मीडिया भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ का, जो निष्पक्ष नहीं है, जो हमेशा सत्ता हासिल करने के लिए एक पक्ष का साथ देती हैं और दूसरे पक्ष का साथ नहीं देती हैं, बेईमानी करती हैं, न्यूज़ चैनल्स को भी ऐसी पार्टियों का बहिष्कार कर देना चाहिए, उनके बारे में खबर दिखाना बंद कर देना चाहिए, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनकी रैलियों को कवर करना बंद कर देना चाहिए। मैं उम्मीद ये करूँगा कि आज जो सबूत पेश होंगे उनके बाद कांग्रेस पार्टी माफ़ी मांग ले, उनके नेता माफ़ी मांग लें और खेद प्रकट करें, और अगर नहीं करते हैं तो फिर ये पूरा मामला आप सबकी अदालत में आएगा, देश की अदालत में आएगा, और आप सब लोगों को ये तय करना होगा कि ये देश किस तरफ आगे जाएगा।
इस देश में निष्पक्ष पत्रकारिता करनी कितनी आसान रहने वाली है या कितनी मुश्किल रहने वाली है। अगर आप किसी पार्टी के खिलाफ ऐसी बात बोलते हैं जिससे उस पार्टी के वोट कटते हैं, तो वो पार्टी आपके साथ क्या क्या कर सकती है। इस देश के सारे पत्रकारों को उस दिन के लिए तैयार रहना चाहिए। तो मैं आप सब लोगों के बीच में आया, आप सब ने बहुत मेरा साथ दिया, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी, आप सबके मैसेजेस मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, आप बहुत अच्छी बातें लिख रहे हैं, सपोर्ट मुझे कर रहे हैं। यहाँ पर मैं सबके संदेश तो पढ़कर नहीं सुना सकता आपको, लेकिन हाथ जोड़कर आप सबका मैं धन्यवाद देता हूँ जी मीडिया की तरफ से, कि आप हमारे दर्शक हमेशा हमारे साथ खड़े रहे हैं। जिन लोगों को सच्ची पत्रकारिता देखनी है, जो लोग भारत के विचार में विश्वास रखते हैं, वो सारे लोग हमारे साथ हैं। उन्हीं का समर्थन हमें चाहिए और उन्हीं का हमें प्यार चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और ये जो लड़ाई है इसे हम अपने दम पर लड़ लेंगे। आप बस अपना स्नेह, अपना प्यार और अपना समर्थन हमारे साथ बनाए रखिएगा। सत्य की हमेशा जीत हुई है। जब भी जी न्यूज़ को चुनौती मिली है, जी मीडिया को चुनौती मिली है, हम हमेशा उस चुनौती को स्वीकार करके विजयी होकर बाहर निकले हैं। इस बार भी सत्य की जीत होगी। सत्य कभी अंधेरे में नहीं रहता, सत्य हमेशा उजाले में रहता है, और सत्य का वो उजाला आपको जी मीडिया के सारे चैनल्स की स्क्रीन पर, जी मीडिया के सारे अखबारों की स्क्रीन पर और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर हमेशा आपको सत्य का वो तेज दिखाई देता रहेगा। ये हमारा आश्वासन है आपको। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।